भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद ओझा के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बिजली बिल मूल्य वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में सतीश चंद ओझा ने बताया कि बिजली बिल मूल्य वृद्धि से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को खेती करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष सतीश चंद ओझा ने कहा, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान अन्न का दाता है फिर भी मारा जाता है, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, महात्मा टिकैत अमर रहे अमर रहे, महात्मा टिकैत अमर रहे अमर रहे, यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सतीश चंद्र ओझा मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान, आज भारतीय किसान यूनियन के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकैत साहब के दिशा निर्देश में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे पूरे प्रदेश में प्रदेश व्याप्ती आंदोलन पूरे तहसीलों में आज चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर जो करारा बोझ लादा गया है, बिजली वृद्धि मूल्य को वापस किया जाए, ये हमारी मांग है। अभी हाल ही में जो बिजली वृद्धि का जो है फैसला सुनाया गया है सरकार के द्वारा फरमान, उसका हम विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में भारतीय किसान इसका विरोध करता है। निजी नलकूप जिसका है उसको 5 HP का है, उसका भी बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। जो घरेलू कनेक्शन 1 kW का लिए हैं उनका भी जो है, अगर 50-100 रुपया आता था बिजली का मूल्य, उनका भी 200 रुपया आएगा। तो कहने का मतलब है गरीब के ऊपर बहुत बोझ पड़ा है। ये हमारी मांग है कि भारतीय किसानों की बिजली वृद्धि को वापस लिया जाए। दूसरी बात, किसान दिन में भी काम कर रहा है, रात में पूरे खेत के खलिहान की रखवाली कर रहा है। जो आवारा पशु हैं, जो गाय हैं, बछड़े हैं, जानवर हैं, जो छुट्टा इधर उधर घूम के खेत में चल रहे हैं, किसान उससे परेशान है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पशुवाड़ा बना के उनकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, नहीं तो अभी और भी आंदोलन आगामी होगी। माननीय जिला अधिकारी महोदय के नाम से, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम से ज्ञापन है, और सिटी मजिस्ट्रेट गोरखपुर आए हुए थे, मैंने उनको ज्ञापन सौंपा है।